हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हेल्पिंग अभी चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो मैं बताने वाला हूं कि 2020 में फ्रीलांसिंग का करियर कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगला एक साल बहुत इम्पॉर्टेंट है और 4 से 5 साल आप ले सकते हैं। ये जो पीरियड है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर जो अगले एक साल के अंदर जो अगर इसमें करियर में इन करते हैं अगर फ्रीलांसिंग में, तो वो अपना एज ए फुल टाइम जॉब इसको समझ सकते हैं, क्योंकि एज ए पार्ट टाइम आप इन करते हैं तो धीरे धीरे जब आपको जॉब्स मिलने लगते हैं तो वो फुल टाइम आते हैं। तो इसके कुछ रीज़न है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है। अगले एक साल में हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउड भी नहीं किया जाएगा कुछ साइट्स पे, अपवर्क पे वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, अप्रूवल्स नहीं मिल रही हैं। फाइवर है, PPH है, Grow.com है, तो ऐसे जो भी साइट्स हैं वहाँ पर भी आने वाले टाइम में यानी अगले एक साल के अंदर भी इशू होने वाली है। तो अगर आप लोग सीरियस हैं, तो अगर आपके पास स्किल्स है, तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग में आइए, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसा मार्केट प्लेस होने जा रहा है 2020 में जो कि मेगा मार्केट बोल सकते हैं। और US के मोर देन अभी लगभग 40% जो हैं वो एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, और जिसमें कि 30% ऐसे हैं जो कि 55 साल से भी ज़्यादा हैं US में। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रीलांसिंग को कितना महत्व दिया जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों 2020 में फ्रीलांसिंग जो है बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस होने वाला है। रीजंस हैं, मैं उस रीजंस पे आज थोड़ा मैं आपको बताऊंगा और पॉइंट आउट करूंगा, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो जाने के कारण क्या होता है कि हर चीज़ अभी हम लोग कंप्यूटर मोबाइल्स जो है इसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, और हर चीज़ जो है वो अभी ऑनलाइन आ चुकी है। ऑफलाइन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्च होती है, और सेम चीज़ जो है वो अभी ऑनलाइन में आ चुका है। जो भी स्किल्स पर्सन है वो चाहते हैं अपने हिसाब से और अपने मन मुताबिक काम करना, ठीक है, उन पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत ही सही है, क्योंकि एक वक्त था जब आप जानते थे कि कंप्यूटर आया था और उस समय जो जॉब्स थे बहुत कम हो रहे थे, लोगों को हटाया जा रहा था कंपनीज से, और कंप्यूटर उस जगह आकर के लाखों लोगों का जॉब जो है वो खा चुका है। तो वो चीज़ जो है आज फ्रीलांसिंग में देखी जा रही है कि फ्रीलांसिंग जो है कि कहीं पर भी आप रिमोट इलाके में हैं चाहे कहीं पर भी हैं, जो स्किल्ड पीपल है आराम से घर बैठ करके वो काम कर सकते हैं और दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है, जिसके कारण क्या है कि ऑफिस में जितने लोगों की ज़रूरत है उसकी ज़रूरत अब उतनी रही नहीं, और लोग हाईली स्किल्ड पीपल का जो है वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये आप समझ के चलिए कि अगर जितना आप अपने स्किल्स को ग्रूम करेंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रीलांसिंग में एक अच्छा करियर बनने वाला है। बहुत सारी कंपनी है जो कि स्किल्स पीपल को हायर करती है और वो बहुत अच्छा पे करती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको क्वालिटी वर्क चाहिए ना कि क्वांटिटी वर्क चाहिए, ठीक है। तो जितना आप स्किल्ड होंगे उतना ही आपकी पेमेंट हाई होगी, और इसमें जो कम्युनिकेशन है आप जानते हैं कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश होना बहुत ही ज़रूरी है, और एटलीस्ट इतना कि आप अपनी बातों को क्लाइंट तक पहुंचा सकें। अब ये नहीं बोले कि उनकी मास्टर होनी ज़रूरी है, आप इन कम्युनिकेशन इतनी होनी चाहिए कि अपनी बात उन तक रख सकें। और नेक्स्ट जो है नो कॉस्ट मेंटेनेंस, मतलब कि क्लाइंट को कोई खर्च नहीं पड़ता है, ना वो ऑफिस बनाना है, ना ही उनको मेंटेनेंस फ़ी देनी है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, कुछ भी नहीं करना है। बस उनको ज़रूरत है, ऑनलाइन गए, पोस्ट किए जॉब और हायर कर लिए, उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लिए, और नेक्स्ट टाइम वो डायरेक्ट उनको जॉब ऑफर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल नहीं लगता है, और वो हायर बहुत ही मिनिमम रेट पे कर लेते हैं। अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले अगर डेवलपिंग कंट्रीज से उठाते हैं तो उनको बहुत ही सस्ते में वो काम मिल जाता है। तो नो कॉस्ट मेंटेनेंस बहुत बड़ा फैक्टर है, और फ्रीलांसिंग जो है वो हेल्पिंग ब्रिज का काम कर रहा है। हेल्पिंग ब्रिज इन द सेंस कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे टैलेंटेड पर्सन हैं जो कि स्किल्ड भी है और टैलेंटेड भी है, बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बोल नहीं पाते हैं बट लिख पाते हैं। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, कहीं पर भी रह करके वो
कनेक्ट हो सकते हैं और अपना अच्छा खासा करियर जो है फ्रीलांसिंग बना सकते हैं। तो ये हेल्पिंग ब्रिज का काम करता है, आई मीन कनेक्ट करता है, ठीक है। आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हो, अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हो। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो टैलेंटेड है, चाहे आप वॉइस ओवर भी करते हो तो भी आप कर सकते हो, या आप डिज़ाइनर हो, प्रोग्रामर हो, कोडर हो, वॉट एवर जो भी हो, आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ओपन टू ऑल एज ग्रुप, मतलब ये सभी के लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि कोई इसका एक रिटायरमेंट एज है, कितने बाद आप रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर तो ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा 50 या 55 एज वाले जो हैं वो कर रहे हैं। मैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको वहाँ का एक रफ डाटा जो है वो मैं दे रहा हूँ कि जो 50 साल से ज़्यादा हैं वो ज़्यादा ही फ्रीलांसिंग में इन कर रहे हैं, और अभी जो यंगस्टर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर वो इसमें अपना करियर बनाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मैं देना चाहता हूँ वो इंटरनेट को। 1 साल 1.5 साल पहले, जो 2 साल पहले आप बोल सकते हैं, 2 साल पहले ही बोल सकते हैं कि उसमें इंटरनेट हम उतना यूज़ नहीं करते थे। जियो आ गई तो भाई इंटरनेट ऐसा है कि सबके मोबाइल में है, भाई 1 GB तो एटलीस्ट अभी सबको मिल रहा है। पहले हमें 1 GB के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, 200 से भी ज़्यादा, 200-250 पे करना पड़ता था। तो अभी क्या है, उतने में मुझे हर मंथ 1-1 GB मिल जाता है। तो समझ रहे हैं, इंटरनेट का जो है बहुत अहम रोल है, और ये बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है फ्रीलांसिंग को कि भाई हाँ अब आप आकर के यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हाई पे जॉब्स जो हैं वो वेब डेवलपर का है, प्रोग्रामर है, कोडर है, ट्रांसलेटर है, ठीक है। एडमिन सेक्शन में भी लोग जो हैं ट्रांसलेशंस वगैरह करके काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, अगर उनको फॉरेन लैंग्वेज का अगर नॉलेज है। नहीं तो सिंपल है, तो वो अगर एडमिन जॉब में भी आते हैं तो 40-50 हज़ार रुपया वो अर्न कर लेते हैं, और जो हाई पे जॉब्स हैं पेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें जो अर्निंग होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2020 जो है वो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर वो आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं अभी तो। और बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो मैं दूंगा आप लोगों को कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। और बिगनर्स हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम्स होती है कि वो जॉब नहीं ले पाते हैं। बहुत जगह ऐसे इश्यूज हैं जो कि अपने कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली फॉर जो बिगनर्स हैं, मैं सजेस्ट करूंगा उनको। मैं फाइवर पे भी मेरे कुछ वीडियोस आने वाले हैं, कैसे आप न्यू बिगनर्स हैं तो कैसे कौन से गिग्स बनाए, कैसे रैंक करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक ही कैटेगरी में हज़ारों गिग्स बने हुए हैं। अगर फाइवर की बात मैं करता हूँ, अपर तो अलग चीज़ है, अपर एक अलग प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा है, हाई ट्रैफिक है, तो यहाँ पर भी आपको सेटल करने के लिए वक्त लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस जो है वो आप बना करके रखें, पेशेंस जो है एंड तक बनाएं। कभी हो सकता है एंड मोमेंट पे आपका हिट हो जाए और फिर वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा एक वक्त में, देखिएगा। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि जो फ्रीलांसिंग है, प्लीज़ आप लोग निराश नहीं होइए, कोशिश करते रहिए। आसान भी नहीं है तो, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप ना कर सकें। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और जल्दी मैं और भी कुछ नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा इन्फॉर्मेटिव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद।